सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं करो इंटरेस्टिंग वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि जो आपके फोन में जो चार्जर लगाते हो ना, आप चार्ज पे लगाते हो, तो गाइस उस फोन का चार्जर जो हीट हो जाता है, हीट होने के बाद आप लोग कई बार सोचते भी हैं कि भाई मेरे फोन का चार्जर हीट हो गया, मेरा फोन हीट हो गया, तो मैं चार्ज पे डालूं कि नहीं डालूं, चार्ज पे लगाऊं कि नहीं। तो गाइस ऐसा है ना, तो गाइस इस वीडियो में पूरा आप लोगों को मैं बताने वाला हूं एंड सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। तो गाइस वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करना। तो सबसे पहले गाइस मैं चला जाता हूं होम स्क्रीन पर तो पहले से हूं गाइस। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, जो आपके फ़ोन में सैमसंग का चार्जर मिलता है, ठीक है, सैमसंग के चार्जर पे आपको मिलता है 5 वोल्ट का आउटपुट रेटिंग मिलता है। आउटपुट रेटिंग तो नहीं बोलूंगा, 3 वोल्ट 7 एम्पीयर का 5 वोल्ट रेटिंग मिलता है। तो उसमें यहाँ क्या है ना गाइस, आप लोगों को 5 वोल्ट का उसमें चार्जर नॉर्मल सा चार्जर मिलता है जो ओवर हीट हो जाता है आपके फ़ोन को चार्ज पे लगाने के बाद, ठीक है। ऐसा ओवर हीट क्यों होता है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ आगे आपको। एंड आपके फ़ोन में अगर हीट हो जाता है, आपके फ़ोन अगर चलाते चलाते हीट हो जाता है, तो आपको चार्ज पे लगाना है कि नहीं, वो अभी बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले गाइज, आपको आपके फ़ोन का जो चार्जर है वो हीट हो गया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। आपके फ़ोन का चार्जर हीट होता है तो आप लोग एक बार आप लगा भी सकते हैं अपने फ़ोन में, ठीक है। लेकिन आपका फ़ोन ओवर हीट नहीं होना चाहिए। ओवर हीट अगर होता है गाइस, मैसेज भी आ जाता है कई बार, मैं वीडियो में बता चुका हूँ गाइस, ओवर हीटिंग कूलिंग के लिए इस चीज़ का यूज़ करो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, तो वहां पर से जाके चेकआउट कर लेना एंड इस वीडियो को सबसे पहले देख लो। तो गाइस यहां पर से क्या है ना, आप चार्जर को लगा सकते हैं हीट होने के बाद, क्योंकि चार्जर पे कुछ ऐसे जस्टर लगे हैं कि वो ओवर हीट को भी मतलब कंट्रोल कर सकता है एंड प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकता है, ठीक है। चार्जर का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तांबा भी लगा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है तो गाइस आपके फ़ोन को स्लो चार्ज करता है, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड गाइस आपके फ़ोन में अगर हीट हो गया आपके फ़ोन, तो ये गलती आप लोग मत करना कि गाइस अगर आपके फ़ोन में हीट हो गया, हीट होने के बाद गाइस आप लोगों ने उसको चार्ज पे लगा दिया। चार्ज पे लगाने के बाद आप लोगों को तो पता ही गाइस ओवर हीट के कारण कई सारे फ़ोन ब्लास्ट हो चुके हैं एंड कई सारे फ़ोन में ओवर हीटिंग के लिए बैटरी ख़राब हो चुका है, बैटरी फूट गया है, जो देखते हैं आप लोग वीडियो पे देखते हैं, कई सारे वीडियो यहाँ पर सोशल मीडिया पे वायरल भी होता है गाइस, ये फ़ोन टूट गया फूट गया। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आपके फ़ोन में अगर आपका फ़ोन जो सैमसंग का है एंड किसी भी अनदर डिवाइस, किसी भी अनदर कंपनी का है, तो अगर आपका फ़ोन ओवर हीट हो जाता है, आपके फ़ोन में मैसेज भी नोटिफिकेशन में आ जाता है ओवर हीट का, तो आप लोगों को उसको ठंडा करना होगा। सबसे पहले ठंडा करने के लिए आपको कूलिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा सारा का सारा, तो वहाँ पर से जा कर देख लेना है। एंड गाइस आपको करना कुछ नहीं होगा, आपके फ़ोन को ठंडा करने के बाद आप लोग जस्ट उसको चार्ज पे लगा सकते हैं, क्योंकि गाइस ओवर हीटिंग के कारण है क्या है ना, आप लोगों को आपके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाता है, जो स्लो चार्ज आपके फ़ोन में जैसे 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है आपका फ़ोन, तो वहाँ पर 4 घंटा भी लग जाएगा लेकिन फुल चार्ज नहीं होगा। ओवर हीटिंग ऐसा प्रॉब्लम है गाइस, वो हर बंदे को प्रोब्स करना पड़ता है। तो गाइस ये आप लोगों को मैं सॉल्यूशन भी बता दिया एंड वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।